हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट केक। ये केक बनाने में बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे ये केक बनाने के लिए। इस केक को बच्चे भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी केक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड केक। ये ब्रेड केक खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला ये इंस्टेंट 5 से 10 मिनट से बनने वाला ये केक है। ये केक है ब्रेड केक। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए व्हिप क्रीम, और इस क्रीम में मैंने हल्का कलर मिक्स किया है तो इसलिए ये पिंकिश दिख रहा है। व्हिप क्रीम आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। व्हिप क्रीम आपको घर पे कैसे बनानी है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और इस रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हमें चाहिए चॉकलेट गनाश, या आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसे कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इस रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर को कट कर लेंगे ताकि ये खाने में कड़क ना लगे, इसलिए हम ये कॉर्नर को कट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 4 ब्रेड के स्लाइस यूज कर रही हूं। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर है इसे आप बिल्कुल भी फेंकिए मत, इसको आप ग्राइंड करके ब्रेड क्रम बना सकते हैं। ब्रेड को मैंने साइड से कट कर लिया है। अब हम इस डिश के ऊपर ब्रेड का एक स्लाइस रखेंगे। अब हम शुगर सिरप करेंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है और इसमें चीनी डाली है, इसे हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे। चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है। अब हम ये शुगर सिरप इस ब्रेड के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा ब्रेड जो है और ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा, खाते टाइम ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। शुगर सिरप मैंने लगा लिया है, अब हम इसके ऊपर ये व्हिप क्रीम लगाएंगे, इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। व्हिप क्रीम मैंने लगा ली है, अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, शुगर सिरप स्प्रेड करेंगे, इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे, इसके ऊपर तीसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, शुगर सिरप स्प्रेड करेंगे, व्हिप क्रीम लगाएंगे, चौथा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, शुगर सिरप स्प्रेड करेंगे, व्हिप क्रीम लगाएंगे। 4 लेयर तो हो गई है, अब हम साइड से व्हिप क्रीम लगाएंगे। केक को मैंने चारों तरफ से क्रीम लगा ली है और इसे अच्छे से प्लेन भी किया है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट गनाश को मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया है और अब हम डेकोरेट करेंगे केक को। तो इसके लिए हम ये स्टार जो नोजल है वो यूज करेंगे। इसी तरीके से स्टार हम सारे केक के ऊपर निकाल लेंगे। सारे केक के ऊपर मैंने स्टार निकाल लिया है, अब हम साइड से डिजाइन निकालेंगे।
केक को मैंने चॉकलेट गनाश से डेकोरेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो सिल्वर बॉल्स है इसे डेकोरेट करेंगे। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अब हमने स्टार बनाया है, इसके ऊपर हम एक एक सिल्वर बॉल को रखेंगे। और बीच में हम रेनबो बॉल्स डालेंगे ताकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। केक के साइड से भी रेनबो बॉल्स स्प्रिंकल करेंगे। केक को आप अपने मनपसंद से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने सारे केक के ऊपर डेकोरेट कर लिया है। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस इंस्टेंट केक बिल्कुल रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।